अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एनिमल्स में मूवमेंट और स्पोर्ट्स के मतलब पढ़ना है। प्लांट्स को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम एनिमल्स की डिस्कशन की तरफ जाएंगे। तो एनिमल्स में जो हमने सबसे पहली चीज़ जो रीडिंग के हवाले से है, उसको मैं पॉइंट आउट किया हुआ है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। स्केलेटन की सबसे पहले डेफिनेशन है, स्केलेटन हार्ड और टफ जो फ्रेमवर्क है बोन्स का, हमारे अंदर जो बोन्स का फ्रेमवर्क है जिससे हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को, जो हार्ट है, लंग्स हैं, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। नंबर टू, हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े की सपोर्ट मिलती है। नंबर थर्ड, हमें शेप देते हैं स्पेसिफिक स्केलेटन, तो कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क उसको हम स्केलेटन कहेंगे। सेकेंड पे इसकी कंपोजिशन है, कंपोजिशन में दो इसके पार्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों, कार्बन कार्बन चेन इज द स्केलेटन बॉन्ड, और उसके अंदर डेफिनेटली हम पढ़ते हैं कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम आइंस, फॉस्फोरस भी है। वो क्या करती है, एज ए मिनरल्स काम कर रहे हैं, तो वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। तो स्केलेटन में ऑर्गेनिक टाइप भी होती है, इनऑर्गेनिक टाइप भी होती है। उसके बाद प्रोडक्शन, प्रोटोजोआन के अंदर जो कि यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जो नजर नहीं आते, वो हमारे पास उनका सिंगल सेल होता है, उससे उनके ऊपर एक आउटर मोस्ट लेयर डेवेल्प हो जाती है उनकी बॉडी के बाहर, उसको प्रोटोजोआ के अंदर सेक्रीशन होती है सिंगल सेल से। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्केलेटन है, वो मल्टी सेलुलर के अंदर मेनी सेल्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल मौजूद हैं, बोन्स को बनाने वाले, उसके अलावा कार्टिलेज को बनाने वाले, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी थ्री टाइप्स होती हैं, हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और तीनों ही सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हाइड्रोस्केलेटन, उसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये। हाइड्रोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन होता है जिसमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता, उसकी जो सेंट्रल वास्कुलर कैविटी जिसको सिलोम कहते हैं, जीवीसी भी से बोलते हैं, वो उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और वही एक्ट करती है एज ए स्केलेटन। किस तरह करती है, मैकेनिज्म में उसको डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ डेफिनेशन मैंने लिखी है। इसके टू फंक्शन, एक ये सपोर्ट देता है, दूसरा ये मसल के जो कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, यानी कि उसके बॉडी जो है वो बंद ना हो जाए किसी तरह, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस करता है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ताकि एनिमल्स को सपोर्ट मिलती है। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं वो मौजूद हैं जी, सैनिडेरियन जो कि सी एनिमून हाइड्रा का फाइलम है, और नंबर टू जो एनिलिडा जिनके रिंग वर्म जो कि अर्थवर्म का फाइलम है, उनके अंदर जो है वो मोस्टली जो इनवर्टिब्रेट्स है ना, मोस्टली उनके अंदर हमारा हाइड्रोस्केलेटन होता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म क्या है स्पोर्ट का, कि किस तरह गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एक्ट करती है। पहले हम सी मून के अंदर इसे देखेंगे, सी एनिमोन के अंदर इसके अंदर क्या होता है। सी एनिमोन के अंदर फर्स्ट ये अपना माउथ ओपन करती है, दैट फील्ड इट्स बॉडी, दैट फील्ड इट्स बॉडी बाय वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी भी और जो टेंटिकल्स हैं वो एक्सटेंड हो जाए। माउथ क्लोज ओपन, फिली फील्ड बॉडी के अंदर होगा और बॉडी जो है वो एक्सटेंड होगी उसकी वजह से, और टेंटिकल होगी बाय वाटर टू एक्सटेंड एंड टेंटिकल्स। नंबर टू, दूसरा काम जो माउथ के से वाटर से इसकी बॉडी फील्ड हो जाती है, तो सेकेंड काम क्या करती है, इट क्लोज इट्स माउथ एंड कॉन्ट्रैक्ट देयर सर्कुलर मसल्स, अपने सर माउथ को क्लोज कर लेगी और जो सर्कुलर मसल है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स इट मेंटेन
इट्स बॉडी इन अपराइट स्ट्रेचिंग। जो बॉडी है इसकी वो अपराइट रहे। अभी इसका क्या मतलब है, हमने इसको देखना है कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं कि कैसे जो है ये काम करता है। इसके अंदर इसमें देखें कि हमारे पास ये सी एनिमल की बॉडी स्टेप वन में ये उसकी बॉडी है, ये मैं माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसके ऊपर ऐसे जो है वो हमारे पास टेंटिकल्स हैं, ऐसे इस तरह जो है वो टेंटिकल्स ने जो है वो इसको सराउंड किया हुआ है। ये टेंटिकल्स हैं ये इसका माउथ है। ये सिस्टमेटिक डायग्राम मैंने बनाई है अंडरस्टैंड के लिए। और ये इसकी जो है वो बॉडी ठीक है, और ये सारे जो है वो टेंटिकल्स यहाँ पे माउथ को सराउंड किया। अब होता ये कि माउथ इसका क्लोज है और जो मसल इसकी बॉडी के ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सॉरी जो सर्कुलर अराउंड द बॉडी रेंज होते हैं इस फॉर्म में जो भी रिलैक्स है, मसल्स आर रिलैक्स, माउथ क्या है, माउथ इसका ओपन है, मसल रिलैक्स है क्योंकि वो अराउंड दी बॉडी मसल रेंज है। तो वो कौन से मसल है इसके दैट आर सर्कुलर मसल, उनको सर्कुलर मसल कहेंगे क्योंकि वो अराउंड दी बॉडी के वो रेंज है। अब होता क्या, जैसे जैसे इसकी सराउंडिंग से अपना माउथ को ओपन किया हुआ है, इसकी सराउंडिंग से वाटर इसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, इट्स सेंट्रल फील्ड कैविटी इज फील्ड विद वाटर, वो वाटर के साथ भर गई। उसके नतीजे में जो दूसरा काम यहाँ पर ये करेगी, जैसे ही फील्ड होती है तो ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या मैंने बोला है, इसकी वजह से जो सर्कुलर मसल है दे विल बी कॉन्ट्रैक्ट, पहले रिलैक्स हैं तो दूसरी फेज में इनकी जो सर्कुलर मसल है दे विल बी कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्स है सर्कुलर मसल, इसमें जो सर्कुलर मसल है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसकी बॉडी की जो शेप है दैट विल बी चेंज एट अपराइट स्ट्रेचर, ऐसे अपने माउथ को क्लोज कर लेगी, प्रेशर पड़ा, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली ये ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होनी है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी बॉडी शेप, उसके विड्थ कम हो जाएगी, हाइट उसकी जो है वो जो लेंथ है वो उसकी ज्यादा हो जाएगी, और टेंटिकल्स जो पहले कम थे अब उनकी लेंथ जो है वो एक्सटेंशन के बाद और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक्सटेंशन के बाद उनके जो टेंटिकल हैं उसकी लेंथ और ज्यादा बढ़ी होगी। तो सेंटर में अपने माउथ को क्लोज किया हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी बॉडी का जो अपराइट स्ट्रक्चर है दैट इज मेंटेन। ये इसके स्टेप है, माउथ ओपन, टेंटिकल्स और फिर किस तरह वाटर एंटर होता है और उसकी वजह से इसका अपराइट स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। जब इसने वापस जाना होता है अपनी पोजीशन में, माउथ को ओपन कर लेगी, रिलैक्स होगी, तो इस तरह जो है ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स से आगे बढ़ती जाती है। ये सी एनिमल के अंदर था। सेकंड हमारे पास इसी के अंदर एग्जांपल है अर्थवर्म की। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोस्केलेटन के अंदर, वो हमारे पास है अर्थवर्म। अर्थवर्म डेफिनेटली इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इसमें क्या होते हैं कंपार्टमेंट्स होते हैं, अर्थवर्म है मैनी कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड बाय सेप्टा, जो कि सेप्टा से लग हुए थे क्योंकि इसके एनीलिडा ऐसे हैं, एनीलिडा रिंग वर्म्स को कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी अगर हम रिलैक्स कंडीशन में देखें तो ऐसे ये ऐसे
ये अर्थवर्म की जो है वो एक नॉर्मल इसकी बॉडी के नीचे ये सिकली होती है जिसकी वजह से जो है ये मूव करता है, और ये इसकी जो है वो एक नॉर्मल शेप है, और सेंटर में जो है इनके जो है वो जिस वजह से कंपार्टमेंट सेपरेट हुए होते हैं उसको हम सेप्टम बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं, दो किस्म के मसल होते हैं। अगर मैं इसकी सिस्टमेटिक डायग्राम बनाऊं तो मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करूंगा डायग्रामेटिकली। क्या होता है जी, ये हमारे पास इनकी बॉडी है, अगर सपोज कि हमने उसका कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कट कर लिया है, कोई भी उसका ये पार्ट जो है मैं सपोज के बाहर निकाल के जो है ना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई भी बॉडी का पार्ट है, सेंटर में उसका गट है, यहाँ पर ये हमारे पास उसका गट है, मेंशन कर रहा हूँ सेंट्रल पार्ट में उसका गट एबिडोमिनल कैविटी वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है, टू टाइप्स के इसमें मसल होते हैं, वो मसल जो इसकी बॉडी की लेंथ वाइज अरेंज होते हैं ऐसे अलोंग द लेंथ पूरी बॉडी के अराउंड, में एक साइड पे मेंशन कर रहा हूँ पूरी बॉडी के ऊपर, ये इस किस्म के मसल लेंथ वाइज अरेंज है, उन मसल्स को हम बोलते होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल। और दूसरी टाइप के जो मसल होते हैं जो इसकी बॉडी के अराउंड या इर्द गिर्द मौजूद है इस फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में जो मसल मौजूद होंगे उन मसल्स को हम कहते होते हैं जी सर्कुलर मसल। उनको सर्कुलर मसल कहते हैं। अब इसमें मूवमेंट किस तरह होगी, मूवमेंट जब ये करते हैं सपोज कि ये हमारे पास एक सरफेस है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, जस्ट मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जब इसके अंदर मूवमेंट होती है तो हमें इस पार्ट ऐसे इसकी पार्ट नजर आते हैं कुछ ऐसे, ये कुछ कंस्ट्रिक्टेड रीजन, फिर जो है वो कोई बड़ा रीजन, फिर कंस्ट्रिक्टेड रीजन, और ये इस पार्ट ऐसे जो है वो हमें इसकी बॉडी नजर आती है वेव्स की फॉर्म में, एक्सपेंडेड रीजन कॉन्ट्रैक्टेड रीजन, एक्सपेंडेड रीजन कॉन्ट्रैक्टेड रीजन। होता ये है कि जिस जगह पे इसकी बॉडी एक्सटेंड है यानी कि वो ऐसे एक्सपैंड हुई है वहां पर इसके कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट आर लॉन्गिट्यूडनल मसल। यहाँ पे क्या होंगे, सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी थिन होगी डेफिनेटली, ये सर्कुलर मसल है, मैं इसको ऐसे प्रेस कर दूं तो इस रीजन के अंदर जो कंस्ट्रिक्टेड है इस रीजन के अंदर सर्कुलर मसल वो क्या हो गए, और इस रीजन के अंदर उनकी और सर्कुलर मसल्स क्या होंगे इस रीजन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, और इस रीजन के अंदर जो सर्कुलर मसल है दे विल बी रिलैक्स, ठीक है। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल मसल ये रिलैक्स फॉर्म में इसको ऐसे दबा दूं तो बॉडी शॉर्ट हो जाएगी और वाइडर हो जाएगी, अगर सर्कुलर मसल में ऐसे दबा दो बॉडी थिन हो जाएगी और इलोंगेट हो जाएगी। इस वजह से ये आपने याद रखना है दिस अर्थवर्म मूव ड्यू टू बेंड ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, व्हेन द सर्कुलर मसल रिलैक्स बॉडी इज वाइडर एंड वेयर द सर्कुलर मसल आर कॉन्ट्रैक्ट बॉडी इज थिन, और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसका रिवर्स है, यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जहाँ पे वाइडर है और यहाँ पर क्या होंगे वो रिलैक्स होंगे। तो इस तरह जो है ये आगे इस तरह एक पार्ट फिर ये वाला पार्ट इधर मूव कर देगा, इसलिए हम आगे डिटेल पढ़ेंगे लोकोमोशन अर्थवर्म के अंदर, जहाँ पर अपने सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को माइंड में रखना है कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है कौन जो है वो रिलैक्स हो रहा है, ये आपका मूवमेंट की वजह से है अर्थवर्म के अंदर। और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अंदर वाटर है, वाटर के प्रेशर की वजह से जो है ये आगे मूव करता है, इसी वजह से इसके अंदर भी जो हमारा स्केलेटन है वो हाइड्रोस्केलेटन होता है, इस जगह पे सारा फ्लूइड फिल्ड होता है दैट इज कॉल्ड वाटर। उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट हमने पढ़ना है एक्सोस्केलेटन, वो स्केलेटन जो एनिमल की बॉडी के बाहर वाली साइड में होता है जबकि मसल इंटरनली अटैच होते हैं, हमारे स्केलेटन अंदर है मसल ऊपर है, इन यानी हमारा एंडोस्केलेटन, जब
जिनके मसल्स अंदर हो और स्केलेटन ऊपर हो, उस स्केलेटन को हम बोलते होते हैं एक्सोस्केलेटन। इसकी प्रॉपर्टीज, ये अनैट और नॉन लिविंग होता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रो नहीं करता साइज में, इसमें हार्डन मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है, इस वजह से ये नॉन लिविंग है, इसकी ग्रोथ नहीं होती है। उसके बाद ये एक्टोडर्म से सिक्रीट होता है, हम डिस्कस करते हैं कि एक्टोडर्म क्या है। उसके बाद इसकी टू लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल की कंपोजिशन एमसीक्यूज में वैक्सी लिपोप्रोटीन से बना होता है, प्रोक्यूटिकल टफ और हार्ड पॉलीसेकेराइड जिसे आप काइटन कहते हैं उससे बना होता है, और दूसरी इसके अंदर प्रोटीन होती है, और उनकी चेन्स के दरमियान, यानी कि अगर हम उसकी इस तरह वो स्ट्रक्चर बनाए, ये कैल्श, ये प्रोटीन है, ये काइटन है, इस तरह जो दरमियान में स्पेस रह जाती है डेट इज फिल्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, उसके अंदर जो डिपॉजिट कौन सी चीज हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको सेकुलराइजेशन बोलते हैं, यानी कि हार्डनिंग ऑफ स्केलेटन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है वो इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बुक में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह आती है। स्ट्रक्चर में क्या है जी, इसमें सबसे पहले जो लेयर है ये हमारे पास एपिडर्मस है, जो लिविंग नेचर की है, ठीक है। सबसे बाहर जो लेयर मौजूद होती है आउटर, जो मैंने एपिक्यूटिकल के मुतालिक लिखा है, आउटर मोस्ट लेयर, ये इसको बोलते हैं जी एपिक्यूटिकल, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिक्यूटिकल, एंड द वेरी 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 बल्क मास, यानी कि बल्की मास एपिक्यूटिकल के नीचे जो भी चीजें मौजूद होंगी, जितनी भी लेयर्स मैं बताऊंगा, उन सबको हम बल्की बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन दैट लाई बिलो द एपिक्यूटिकल उसको प्रोक्यूटिकल कहेंगे। वो कौन कौन सा है उसमें देखें, सबसे पहले ये हमारे पास आ जाएगी एक्सोक्यूटिकल, उसके बिल्कुल नीचे ये हमारे पास आ जाएगी मेसोक्यूटिकल, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ये वाली, जहां पर हमारी आ जाएगी एंडोक्यूटिकल, और ये हमारे पास आ जाएगी एपिडर्मस, और इसके नीचे जो कुछ भी इंसेक्ट की बॉडी का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मस, ठीक है जी। ये इसकी जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इंसेक्ट की, अगर हम आउटर स्किन ले लें और उसकी मुकम्मल उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें, सबसे ऊपर एपिक्यूटिकल, नीचे एक्सो, मीसो, एंडोक्यूटिकल, फिर एपिडर्मस, पे जो भी बॉडी के नीचे वाला पार्ट है उसको हम हाइपोडर्मस कहेंगे। अब इसमें ये वाला एपिक्यूटिकल तो हमने कर लिया, ये वाला जो पार्ट है अबव द एपिडर्मस इसको हम बोलते होते हैं जी प्रोक्यूटिकल। द बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन दैट लाई बिलो द एपिक्यूटिकल क्यूटिकल इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल, जिसमें एक्सो, मीसो और एंडोक्यूटिकल तीनों ही आते हैं। इंसेक्ट के अंदर क्या होता है कि बाजू का यहां से जो नीचे से ब्रिस्टल्स, डर्मस में से जिसको ब्रिस्टल्स कहते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन है ये भी यहां से बाहर निकल आते हैं, ब्रिस्टल्स वगैरह एपिडर्मस, एपिडर्मस उत्पत्ति करते हुए ये मॉडिफिकेशन में आएगा। अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्कन, जो मोलस्का है, मोलस्का उनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो किस किस्म का होता है, फाइलम मोलस्का। अब उसके अंदर जो हमारे पास ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो एक्सोस्केलेटन है, सिंपलेस्ट टाइप, वो मोलस्का के अंदर है। नंबर सेकंड, जो मैरिन बाइवॉल्विया एंड जो स्नेल है अह
उसका जो एक्सोस्केलेटन है में है कैल्शियम कार्बोनेट, और इस वजह से उनका जो आउटर स्केलेटन होता है वो हार्ड भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे लैंड स्नेल हैं उनका जो, क्योंकि कुछ नहीं होता उनकी बॉडी के ऊपर, जो स्केलेटन होगा डेट विल बी सॉफ्ट, वो सॉफ्ट टाइप का होगा स्केलेटन। उसके बाद इनकी जो भी सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब है कि वो साइज में ग्रो भी कर सकता है, बिल्कुल वाटरी नहीं होगा जिस तरह हाइड्रोस्केलेटन है, फिल्ड फिल्ड नहीं है, उसका मतलब है वो सॉफ्ट है, उसकी ग्रोथ भी हो सकती है, उसके रिंग हमें नजर आएंगे उनकी ग्रोथ के साथ साथ। उसके बाद जो हमारे पास जो इसमें लैंड स्नेल है सॉफ्ट होता है, और वक्त के साथ साथ जो है वो जैसे जैसे ग्रोथ होगी वो करेगा भी, और जितनी भी इनकी वाटर फील्ड कैविटी या वाटर फील्ड पार्ट्स होंगे जो नरम होंगे वो एक्ट करेंगे एज ए हाइड्रोस्केलेटन, यानी कि इनका सॉफ्ट पार्ट होगा वो हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करेगा, जिसमें वाटर होगा फील्ड फील्ड होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें एक्सोस्केलेटन भी नहीं होगा। शेल इसका बना होता है एक्सोस्केलेटन से, वन और टू पीसेस तो मुश्किल होता है जस्ट, और जो लोअर पार्ट होता है वो इसका किस चीज से मिलकर बना होगा, हाइड्रोस्केलेटन से। ये इसके अंदर एग्जाम्पल है। उसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास वो है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इसके अंदर कुछ एडेप्टेशन हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन कौन सी एडेप्टेशन हुई है, एडेप्टेशन मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एनवायरनमेंट के अंदर सुटेबिलिटी है वो एडेप्टेशन। पहली एडेप्टेशन इसके अंदर क्या हुई, नंबर वन फॉर्मेशन ऑफ रिजेस एंड बार्स, इसलिए फॉर मसल अटैक। मसल अटैचमेंट के लिए जो है ये क्या उसकी फॉर्मेशन रिजेस एंड बार की, देखें यहां पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये स्पोज एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, ऐसे वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं एपिक्यूटिकल से बाहर की तरफ हुक। यहां पर जो है क्या अटैच हो सकती है कि विंग्स, इंसेक्ट के जो विंग्स हैं वो इस जगह पे जो है वो इसके साथ मसल अटैच इंसेक्ट हो सकते हैं। ये जो एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है रिजिज बना लिया और मसल विंग्स के अटैच हो गए जिसके वजह से उड़ सकेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिजिज एंड बार फॉर मसल अटैच। नंबर सेकंड जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो आएगा एक्सोस्केलेटन इज सॉफ्ट थिन एंड फ्लेक्सिबल एट ज्वाइंट फॉर व्हाट, फॉर मूवमेंट। जहां भी ज्वाइंट बनेगा वहां पे एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट होगा, थिन होगा, फ्लेक्सिबल होगा, इसलिए ताकि इजीली वो अपनी लेग्स को या दूसरे पार्ट्स को मूव कर सके। तीसरा जो पार्ट है जो इसकी मॉडिफिकेशन, जो यहाँ पे जॉइंट्स की मॉडिफिकेशन हुई है, यहाँ पे रिजेस और बार्स की मॉडिफिकेशन हुई है। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि फॉर्मेशन ऑफ सेंसिना और सेंसरी रिसेप्टर कॉल्ड सेंसिला, ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन्स में टू और थ्री नर्व्स होती हैं, ये बॉडी से एपिडर्मल से बाहर निकला हुआ ब्रिस्टल्स की फॉर्म में, उसको सेंसिला बोलते हैं, ये सेंसिला है। और फोर्थ पॉइंट है मॉडिफिकेशन इन एक्सोस्केलेटन फॉर गैशियस एक्सचेंज। क्या बना था फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, स्पीरकल्स, आउटर जो पार्ट होते हैं जिसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो क्या है दरअसल, वो किस चीज की मॉडिफिकेशन है, वो एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन है, और उन्हीं पोर्स के थ्रू इसके अंदर ये ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं,
और उसके जरिए जो है ये अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रो एंड एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक्सोस्केलेटन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एसेटिसिस जो मोल्डिंग का प्रोसेस है। तो आज हमारा जहाँ तक